तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। जो भी लोग सेमेस्टर थ्री में ज्योग्राफी को माइनर पेपर में रखे हैं, ठीक है, और अगर आपको पढ़ना है भारत एवं झारखंड का भूगोल, दैट मीन्स आप झारखंड के कैंडिडेट होंगे, तभी आपको ये सब्जेक्ट काम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड अगर आपको पढ़ना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको ये पेपर सब्जेक्ट में है तो ये वीडियो काम में देगा, और ये अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो काम में नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूँ तो आपको रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू, इन सब में काम देगा और बाकी इन सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में। ठीक है, और ये प्रोफेसर गेस्ट पेपर है, जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा, ज्योग्राफी माइनर पेपर 1B का। ठीक है, 35 रुपया दाम है, देख लेते हैं। तो ये पेपर आपके, यह है आपका सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 इसमें आपको पढ़ना है इंडिया का, ठीक है, ज्योग्राफी। तो यूनिट 2 में आपको इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 3 है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है यानी कि कृषि। और फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है झारखंड के बारे में। ठीक है, पांचवा झारखंड का इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, यही सब। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, ये आपके एग्जाम में 5वां आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर आता है आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे एग्जाम में। इसमें हमारा देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भारत के उत्तरी मैदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, उत्तर का मैदान जो कि पूरी तरह से जलोद मृदा से बना है ये बताना है। ठीक है, भावर प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहले जानिए प्रायद्वीपीय भारत क्या है। तो देखिए भारत का जो ये जो नीचे वाला एरिया है, इस तरह से जो साउथ इंडिया बनाता है, ठीक है, ये नीचे वाला आता है ना, यहाँ पे श्रीलंका और इस तरह से साउथ वाला एरिया, तो ये जहां से मतलब झारखंड का 3 भाग पानी से घिरा हुआ है, जल से, इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, भारत का जो 3 भाग मतलब ये आपका इधर पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर गुजरात तक, ठीक है, ये जो 3 भाग जल से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना है। ठीक है, ये आपके 2 आएंगे एग्जाम में। चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप पे जल्दी से आ जाते हैं। तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए ये किस टाइप के हैं। देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे ये 15 मार्क्स वाले टोटल 6 आएंगे, जिसमें से किसी 4 को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है, अगर आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा है तो, और लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज होता है और 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा पहला आता है भारत को भौतिक विभाग जितने भी है उनमें बांटिए और उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से लिखा गया है कि भारत के भौतिक भूदृश्य को आकार देने में हिमालय के योगदान को स्पष्ट करें। ठीक है, हिमालय के योगदान को स्पष्ट करना है। तो हमारा जो हिमालय है यह पहले मतलब मालूम है ना आपको, यूरेशिया पहले महाद्वीप हुआ करता था, फिर बाद में अलग हो गया और टकराने से जो बना हिमालय बना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। पूर्ण पृष्ठ पर भारत के मानचित्र बनाए एवं उस पर भारत के मुख्य भूभाग को चित्रित करें तथा उनमें से किसी एक का विशद वर्णन के लिए। ठीक है, तो देखिए आपकी जो आते हैं एग्जाम में ज्योग्राफी में, आपको पेंसिल और स्केल दोनों लेके जाना है, क्योंकि वहां पे आपको डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आपका यहाँ पे आता है प्रायद्वीपीय भारत के भू विवर्तनिक विकास का वर्णन करें। ठीक, भारत के विशाल प्रायद्वीप पठार की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैंने इसको हाईलाइट करके दे दूंगा। ठीक है, जब इसका पीडीएफ दूंगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इसको हाईलाइट करके दूंगा सभी क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पकड़ने में, पकड़ आप तुरंत लीजिएगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण पर्वत एवं पर्वत श्रेणियों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है भारत का समुद्री तटीय मैदान का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो बताना है कि भारत के 16 को जो राज्य है समुद्री सीमा को छूता है, जिसमें सबसे बड़ा है आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के साथ, और फिर दूसरा सॉरी सबसे बड़ा है गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से डिटेल में आपको बताना है। और सबसे कम एरिया जो है वो गोवा के पास है।
देखिए आपको पूरा पढ़ लेना है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ, और इसका उपयोग आप लोग तब कीजिएगा जब आपके पास ऑफलाइन बुक अवेलेबल ना हो, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन बुक मिल गया है तो आप ऑफलाइन ही पढ़ें, और जब आपको बुक नहीं मिलता है तब आप इसको ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ें, ठीक है, या फिर घर से आप जब बाहर हो तब आप पीडीएफ का उपयोग करें पढ़ाई के लिए, और बाकी जब आप घर पे हो तो ऑफलाइन किताब से ही पढ़ें क्योंकि आंखें खराब हो जाएगी बस, ठीक है, ज्यादा ऑनलाइन पढ़िएगा तो। और ऑफलाइन जो फिजिकल में मजा है वो डिजिटल में कहाँ मजा है, ठीक है। चलिए तो पूरा पूरा मैं दे दूंगा सब कलर करके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही दे दूंगा, सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है, ओके बाय। हाँ थोड़ा सा झारखंड के बारे में देख लीजिए कि झारखंड के किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए झारखंड का जो क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, अकबर की केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। अरे यार ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बाबा तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे घुस गया है, इसको सॉल्व मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए शेरशाह अकबर अकबर शासन नीति, शेरशाह की अग्रणी नीति। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं इम्पोर्टेंट करके दे दूंगा आपको, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, झारखंड की मुंडा जनजाति का जो है आवास, मतलब कहाँ रहते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे अपना जीवन यापन करते हैं ये बताना है, ठीक है, झारखंड का ये क्वेश्चन है। फिर आपका झारखंड की संथाल जनजाति के आवास तथा अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, मतलब एक वो पढ़ लीजिएगा आवास और अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर परंपराएं, वो ही चीज अलग अलग जातियों में लिखनी होगी स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, किसी एक का पढ़ लीजिएगा तो सभी का आंसर लगभग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है झारखंड के अपवाह तंत्र पर एक लेख लिखे, अपवाह तंत्र मतलब नदी प्रणाली कहाँ कहाँ पे, स्वर्ण रेखा के बारे में बताइएगा, दामोदर के बारे में, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है। झारखंड के जल संसाधन का उल्लेख करना है, ठीक है, झारखंड में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, टेनू डैम हो गया, मैथन डैम हो गया, ठीक है, और केतलसूद डैम हो गया, कनाडा डैम हो गया, ठीक है, बहुत सारा डैम है। तो इस तरह से आपको पढ़ लेने हैं। सरायकेला खरसावां में चांडिल डैम है, बहुत बड़ा है। अगला है झारखंड की जलवायु का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड की जलवायु वाला, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं सब दे दूंगा हाईलाइट करके, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, बाय।